तो मैं जा रहा हूँ इस वक्त खरपचू फोर्ट की तरफ, और किसी ने मुझे बताया कि गली है वहाँ से खरपचू फोर्ट का रास्ता जाता है, सिटी के बिल्कुल पीछे है और एक माउंटेन पे है खरपचू फोर्ट, तो मुझे उसी तरफ जाना पड़ा। किधर जाने? ऊपर ऊपर। आप अकेले? हाँ ना, आराम से जाओ। हाँ, अगर मैं वो भी लेट हो गया, इधर से बंदा उधर जा रहा है तो मैं बताएंगा। हाँ, ये तो लकड़ी है, लकड़ी उठाओ, बताओ जाओ अंदर। ठीक है, अच्छा। तो मैं जब खरपचू फोर्ट के पास पहुंचा ना, उसके दरवाजे तक, तो अनफॉर्चुनेटली बंद था वो। शायद अंदर से किसी ने बंद किया था, मुझे लग रहा था अंदर से किसी ने बंद किया, बट फ्रॉम आउटसाइड मैंने बहुत कोशिश की दरवाज़ा खोलने की, लेकिन दरवाज़ा खुला नहीं बिल्कुल भी। अच्छा, तो फिर जब मैं अंदर आया ना, तो मैंने देखा कि लकड़ी है, एक वुडन बार ये लगा हुआ था दरवाजे के पीछे, कोई लगा के गया था। तो वो लड़का कोई आया ऊपर से ना, फोर्ट से, उसने मेरे लिए डंडा हटाया और दरवाज़ा खोला, तो फिर जो है मैं अंदर आ सका ना, वरना तो पॉसिबल ही नहीं था। मैंने तो यह भी था ना पा ड्राइवर को, बस मानसरा चिखेरा सवारी भी लम। ये एरिया पूरा गांव से ना अली, ये बाहर सिक्योरिटी एक तो टेट लग गया जस। तो इस वक्त मैं खरपचू फोर्ट के पीछे आया हुआ, वो जो रॉकी माउंटेन मेरे पीछे आप देख सकते हैं, वो रॉकी माउंटेन है जहाँ पे मेरा इशारा जा रहा है, वहाँ पे खरपचू फोर्ट था। क्योंकि जब व्हेन आई वाज क्लाइंबिंग ओवर देयर, तो मैंने देख लिया था कि ये ब्रिज है इसके पीछे, ठीक है, खरपचू फोर्ट के पीछे ब्रिज है और ख़ूबसूरत सा मंज़र है, और ये दरिया जा रहा है, इंडस रिवर गुज़र रहा है। अपनी मोटर बाइक पे अकेला आ गया हूँ, तो जो है फाइनली मैं पहुंच गया यहाँ पे। ये सीन हुआ कि एक लोकल से मैंने पूछा कि खरपचू फोर्ट के पीछे एक डेज़र्ट है, वहाँ जाना है, तो मैंने उसको निशानियाँ भी बताई, एक ब्रिज भी गुज़रता है खरपचू फोर्ट के पीछे, बिल्कुल ठीक है, ब्रिज भी गुज़रता है, रिवर है,
तो उसने मुझे जनाब ये कहा कि वो सरंगा, हाँ सरफरंगा सॉरी कह रहा था, वो सरफरंगा डेजर्ट, अच्छा वो। देन आई थॉट अच्छा सरफरंगा वो है, बिकॉज मैं तो यहाँ का नहीं हूँ। देन आई थॉट मे बी इज ट्रू। तो वो कह रहा था सरफरंगा जाना है तुम्हें, वो लाइक वो नाम लेकर पुकार रहा था इस पॉइंट को जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। तो मैंने कहा हाँ। तो कह रहा था हाँ वो जो है ना, पता नहीं उसने रास्ता इस तरह समझाया कि ऐसे सीधा सीधा जाना है इस कद्दू सिटी से नीचे ये वो। तो अब मैं रास्ते में मैंने फिर भी पूछ लिया, जब मैं अगले दिन सुबह को जो है ना, मतलब आज आया तो बाइक पे निकला, तो रास्ते में जो है ना मैं पूछने लगा लोकल से, रास्ते में ऐसे चौक है एक, वहाँ पर मैं पहुँचा तो मैंने अपनी कन्फर्मेशन के लिए मैंने पूछा सरफरंगा कहाँ है। तो मैंने उसको ये भी नहीं बताया कि खरपचू फोर्ट के पीछे एक ब्रिज है ये वो। तो वो जो दूसरे लोकल से जो मैंने पूछा था कि सरफरंगा कहाँ है चौक के पास, नहीं हाँ, तो वो कह रहा था कि सरफरंगा जो है ना वो तो आगे वो शिगर की तरफ है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा शायद रास्ता जा रहा होगा यहीं कहीं से, शॉर्टकट होगा। अब मैं बाइक चलाए जा रहा हूँ, रास्ता आ ही नहीं रहा, कोई टर्न ही नहीं आ रहा, बस सीधा जाए जा रहा हूँ, और ना शिगर वैली की तरफ मैं एक्चुअली मैं पहुँच गया था। लाइक उससे शिगर वैली स्टार्ट तो नहीं हुआ था, बट उससे यहाँ जहाँ से स्कर्दू ख़त्म होता है, क्रॉस होता है, हाईवे स्टार्ट होता है, मैं शिगर वैली की तरफ जाने लग गया था। रास्ते में डेजर्ट नज़र आने लगे थे मुझे, लेकिन मैंने कहा ये खरपचू इतना दूर कैसे हो सकता है, मतलब लाइक हाउ इज़ इट पॉसिबल। खरपचू से मैंने देखा था कि ब्रिज जो है जहाँ पॉइंट में खड़ा हूँ, ये इतना दूर कैसे हो सकता है। मैं देखे जा रहा हूँ, आगे जाते जा रहा हूँ, कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है, लाइक आई एम जस्ट गोइंग एंड गोइंग। फिर मैंने हार मान ली, मैंने कहा मैं गलत आया हूँ, नहीं कहा ये गलत हो रहा है, किसी ने वो जो कल जो जिस लोकल ने मुझे बताया था, गाइड किया था, वो मुझे गलत समझा, या उसको गलत फहमी हो गई, या उसने जो है ना ऐसी बोंगी मार दी होगी मेरे आगे। मैंने कहा फिर मैंने उसी वक्त किक मारी, टर्न बैक किया बाइक को, फिर वापस कर्दू सिटी आया। फिर जनाब मैंने पूछा चौक पे एक कोई और एक और लोकल खड़ा हुआ था, मैंने कहा कहाँ पर है वो ब्रिज खरपचू फोर्ट के पीछे वो जो इंडस रिवर गुजर रहा है। तो उसने मुझे सही गाइड किया कि आगे जाके एक पंप आता है, उसके सामने एक गली है, वहाँ से निकलो, रोड ख़राब है वहाँ से निकलो। तो फाइनली मैं पहुँच गया हूँ। बहुत ख्वार हुआ आज, कुत्ती किस्म का ख्वार हुआ, लेकिन खुशी इस बात की ज़्यादा टाइम वक्त ज़ाया नहीं हुआ। बस वो शिगर वैली की तरफ मैं जाने लग गया था गलती से, वो तो मुझे कल जाना है अगले दिन, बट मैं आज जाने लग गया था सिर्फ इस पॉइंट की वजह से। मुझे पता भी नहीं था कहाँ जा रहा है ये, बट आई वॉज जस्ट गोइंग। मैंने कहा शायद सही जा रहा हूँ, कहीं गली आएगा, क्योंकि यहाँ शॉर्टकट्स बहुत कम है, रोड घुमा के आना पड़ता है, टर्न्स आते हैं, पता नहीं कहाँ जाते हैं रास्ते, पॉइंट्स भी नहीं लिखे हुए ना इंडिकेशन कि ये रोड किधर जाता है, वरना अक्सर रोड्स के नाम ही नहीं है, तो पता नहीं चला। बट हाउएवर आई एम हैप्पी, इस बाइक ने मेरा बहुत साथ दिया। सिर्फ 100 रुपये का पेट्रोल डाला, शिगर वैली की तरफ तो मैं जा ही रहा था हाईवे की तरफ, बट देन व्हाट हैपेंड के बस इतने पैसों में मैं इतना घूम लिया, मैंने लाइक इतना ट्रैवल कर लिया सिर्फ 100 रुपये में, अमेजिंग। ये है खरपचू फोर्ट के पीछे का मंज़र, बहुत ही खूबसूरत है। और ये पहाड़ है सामने, बर्फानी पहाड़ है, रॉकी माउंटेन्स। बट द प्रॉब्लम इज के बट यू नो इसी पॉइंट के लिए मैं तरसा हुआ था बिल्कुल देखने के लिए, फाइनली मैं देख लिया। वाओ ये है वो खरपचू फोर्ट, वहाँ से बैठ के मैंने देखा था ये ब्रिज और ये पॉइंट, ये मैंने कहा कितना खूबसूरत लग रहा है, इधर भी जाऊँगा। ये नहीं पता, अब मुझे ये नहीं पता वो दूसरा पहाड़ उसके पास क्या जाता है, वो उधर क्या है, अब समझ नहीं आ रहा। अब ये भी नहीं पता पेट्रोल कितना बचा हुआ है बाइक में, जाने के लायक है कि नहीं है, अब देखें जनाब क्या होता है। अब मुझे जो है उधर भी जाना है, आज सुने पोलो मैच भी है, पोलो ग्राउंड में पोलो मैच भी है, तो वो भी देखना था मुझे।
और अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा देर रुका तो वो उसके लिए मैं थोड़ा वापस गांव जाना था, उधर चेक करना था, उधर अपने कपड़े शपड़े चेंज करने थे, कुछ तैयारी करनी थी देखने के लिए। अगर मैं ज़्यादा टाइम यहाँ पे लगा दिया तो मैं वहाँ नहीं जा सकूँगा, थक जाऊँगा। अगर मैं ज़्यादा देर में यहाँ घूमता रहा, लाइक आई विल बी टायर्ड, लाइक मोटर बाइक भी चलाया इतनी देर, फिर एनर्जी इतनी बाकी नहीं रहेगी, तो जो है मुझे जाना पड़ेगा।